हेलो प्रीति मैम। हाँ हेलो मैम, हाँ वो कल वाला जो वीडियो था ना, उसमें पूरे वीडियो में आवाज नहीं है। तो हाँ वो देखा था मैंने। फिर मैम अब कैसे करना है? वो वाला फिर ऐसा करो कि यहाँ बच्चों से पूछ लेना, क्योंकि फिर अगर अपन वो चैप्टर लेते हैं तो आगे वाला कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना? करते हैं आगे का कंटिन्यू करते हैं, फिर रिवीजन में उसको वापस ले लेंगे। और जो नोट्स के लिए आपको लिखना है वो आप इन बच्चों से ले लेना। पलक जोशी भी आई थी कल, है ना? उससे बात कर लेना एक बार, ठीक है? अभी आज तो आवाज क्लियर है ना? हाँ यस मैम। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? फर्स्ट आएगा हमारा कि गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, तो इसकी डेफिनेशन हमें पढ़नी है। दूसरा टॉपिक, पहले अपन इस चैप्टर में देख लेते हैं कि अपने को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है? तो एक तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा टॉपिक है, नहीं व्यवस्थापिका, इसको क्या कहते हैं, ठीक है? पेज नंबर 106 पर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या है। तो स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट विच इज एन इनविजिबल एंड इंटेंजिबल इंस्टीट्यूशन। कि गवर्नमेंट में जो स्टेट है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, जो भी मेंबर्स नॉमिनेट होता है वो इसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर काम करता है। द इंस्टीट्यूशन विच गिव्स ए टेंजिबल फॉर्म टू द स्टेट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हर एक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है जहाँ पर उसे, यानी कि जो पर्सन जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं स्टेट के लिए, देश को चलाने के लिए, वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट कहलाएगा। इसको अंडरलाइन कर लो। द कलेक्टिव एस्पिरेशन ऑफ स्टेट इज एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू गवर्नमेंट। इट कैन बी सेड दैट गवर्नमेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्टेट। वी कैन नॉट इमेजिन ए स्टेट विदाउट ए गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट जो है हमारे देश में होने वाली हर एक्टिविटीज का एक पार्ट होता है, और गवर्नमेंट के बिना जो है वो स्टेट को चलाना इम्पॉसिबल है। ए गवर्नमेंट मेक लॉज टू सर्व द पीपल रिसाइडिंग इन ए डेफिनाइट टेरिटरी ऑफ स्टेट, इम्प्लीमेंट दोज लॉज एंड रिफॉर्म दोज सर्व द पीपल बाई पनिशिंग हु डू नॉट ओबे द लॉज। यानी कि गवर्नमेंट जो है वही देश में रहने वाले हर पर्सन, चाहे वो किसी स्टेट में, टेरिटरी में, जहाँ पर भी रह रहे हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए लॉज बनाते हैं, और उसके साथ साथ अगर उस लॉज को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट दिया जाता है। गवर्नर हैज़ डिफाइंड गवर्नमेंट एज, गवर्नमेंट इज ए टूल और मशीन थ्रू पॉलिसीज आर मेड। गवर्नर जिन्होंने गवर्नमेंट को क्या बताया है कि गवर्नमेंट एक ऐसी मशीन है या फिर एक ऐसा टूल है, जिस औजार हम कह सकते हैं, जिसमें पॉलिसीज बनाए जाते हैं, कॉमन इश्यूज आर रेगुलराइज्ड एंड कॉमन इंटरेस्ट इज प्रमोटेड। जिसमें कॉमन इश्यूज यानी कि कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल इश्यूज भी हो सकता है, उसके साथ साथ लोगों की इच्छा भी इसमें सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो सबसे पहले इसके अंदर गवर्नमेंट का डेफिनेशन जो है आप लिखोगे द इंस्टीट्यूशन से लेकर इस कॉल गवर्नमेंट तक। दूसरा, इट कैन बी सेड दैट, यहां से और स्टेट विदाउट ए गवर्नमेंट, वी कैन नॉट इमेजिन ए स्टेट विदाउट ए गवर्नमेंट, ये, और इसमें डेफिनेशन जो दी गई है गार्नर हैज डिफाइंड गवर्नमेंट से लेकर इज प्रोमोटेड तक। तो ये क्या हो गया, एक गवर्नमेंट की मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बताया गया। फिर है द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्री मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ये भी उसका नाम भी आ जाएगा इसमें तीनों का। तो सबसे पहला है लेजिस्लेटिव।
लेजिस्लेटिव इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के जो थ्री फॉर्म है उसमें सबसे पहला फॉर्म कौन सा है, लेजिस्लेटिव का. तो लेजिस्लेटिव जो फर्स्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की, एंड इट इज फॉर्म्ड एट टू लेवल्स, इसे टू लेवल्स पर परफॉर्म की जाती है. फर्स्ट है यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर. द यूनियन लेजिस्लेचर हैज बीन टर्म्ड एज पार्लियामेंट. यूनियन लेजिस्लेचर जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है. तो जैसे कि देखो, सबसे पहला फॉर्म गवर्नमेंट, तो लोग इसे नोटबुक में या फिर जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड पार्टी जुडिशियरी. यूनियन लेजिस्लेचर. क्वेश्चन में आपसे सिर्फ गवर्नमेंट का पूछेगा तो गवर्नमेंट आप एक्सप्लेन करके थ्री पार्ट्स दिखा सकते हो, थ्री पार्ट्स में फिर लेजिस्लेटिव के कितने फॉर्म है वो बता सकते हो, ठीक है. तो यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर, तो यूनियन लेजिस्लेचर जो है इसे पार्लियामेंट भी कहा जाता है. एक ही हम कितनी सारी चीजें एक साथ बता सकते हैं. पार्लियामेंट आ गया जहां पर सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट की जितनी भी है वो परफॉर्म की जाती है, ठीक है. सो आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो सिविक्स के अंदर जितनी भी, जैसे कि हमें हिस्ट्री में जैसे डेट्स याद करनी होती है उसी तरीके से हमें इसके अंदर आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है. अलग अलग आर्टिकल को आपको ध्यान में रखना है. जैसे कि आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द प्रोविजन दैट देयर विल बी ए पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन यूनियन. कि आर्टिकल 79 में ये पार्लियामेंट का जो है कि पार्लियामेंट होना चाहिए, ये किसमें बताया गया है, आर्टिकल 79 में. क्या बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि पार्लियामेंट किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है. विल कंप्राइज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस. और पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए, जिससे जिसमें वन प्रेसिडेंट हो और टू हाउसेस बने. टू हाउसेस मीन्स लोकसभा है, राज्यसभा, ठीक है. टू हाउसेस होने चाहिए, इसको आप अंडरलाइन कर लो. टू हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा. अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा आर टुगेदर कॉल्ड पार्लियामेंट. यानी कि पार्लियामेंट जो है वो किससे बनता है, प्रेसिडेंट और टू हाउसेस से पार्लियामेंट बनता है, ठीक है. तो आप इसमें लेजिस्लेचर में क्या लिखोगे, लेजिस्लेचर इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ इंडिया. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. In India, legislature is formed as two levels पर इसको form किया गया, union legislature and state legislature. और the union legislature has been termed as parliament in the constitution. पूरा paragraph ही आ जाएगा, first और second दोनों. इनको अलग अलग points में आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है. पांच या छह points बनेंगे. Next हमें पढ़ना है structure और organization of लोकसभा, कि लोकसभा जो है उसका structure कैसा है, कैसे वो स्ट्रक्चर मीन्स ये नहीं कि उसकी बनावट कैसी, बल्कि ये कैसे बनती है, कितने मेंबर्स इसमें होते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म होती है. तो सबसे पहले द फर्स्ट और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज लोकसभा. कि लोअर हाउस जो है वो कौन सा होता है, लोकसभा. लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड द पॉपुलर हाउस बिकॉज इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल. इसे पॉपुलर हाउस क्यों बताया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है. सबसे पहले है इसके अंदर नंबर्स ऑफ मेंबर, कितने मेंबर्स इसमें होने चाहिए. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर फिक्स्ड एट 500, बट इट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. पहले फिक्स की गई थी इसमें कितनी, 500, लेकिन धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम इसमें चेंजेस आते गए और इसको इंक्रीज किया गया. इट हैज बीन डिसाइडेड थ्रू द गोवा, दमन एंड दीव.
एक्ट 1987 दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोकसभा कैन बी 552 अप टू 530 मेंबर शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट अप टू 20 मेंबर शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड रिमेनिंग टू ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी शैल बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट. इसमें 552 दिया गया है बल्कि हमारे लोकसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं 545 मेंबर्स. 543 मेंबर्स तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के होंगे, 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से इलेक्ट किए जाते हैं. 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन के होते हैं, वो एंग्लो इंडियन क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर उनके कुछ जो वंशज यहाँ रह गए हैं वो 2 मेंबर्स उनमें से नॉमिनेट होते हैं. ठीक है, है? हाँ, 545 मेंबर्स है लोकसभा के अंदर. ठीक है, फिर है इलेक्शन कैसे होता है. तो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. कि जो मेंबर्स हैं लोकसभा के ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, यानी कि डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा. ए पर्सन हु इज 18 ईयर्स और मोर इन एज इज कंसिडर्ड एन एडल्ट इन इंडिया. यानी कि जो पर्सन जो 18 ईयर्स अबव हैं वो वोट कर सकते हैं. ईच ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द लोकसभा सेंड ए सिंगल मेंबर. यानी कि हर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज से एक मेंबर नॉमिनेट किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे कि अलग अलग आप देखोगे हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस होते हैं, MLAs के जो इलेक्शंस होते हैं, तो वो सारे लोकसभा इलेक्शंस माने जाते हैं. फिर है एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स. कितने उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. सबसे पहला वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. दूसरा उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स. ठीक है, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. फिर थर्ड जो है, ए पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ बेनिफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. यानी कि वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पहले से नहीं होना चाहिए. एंड द पर्सन हैज नॉट बी डिक्लेयर एज लूनेटिक बाय एनी कोर्ट इन एंड एनी बैंकक्रप्ट. या तो उसे मतलब किसी भी कोर्ट के द्वारा, लूनेटिक होता है कि पागल घोषित नहीं किया हुआ हो, और दूसरा बैंकक्रप्ट या फिर उसे दिवालिया घोषित नहीं कर रखा हुआ कि एकदम से ही कुछ नहीं है, है ना. ऐसा पर्सन जो है वो इलेक्शंस में नहीं खड़ा हो सकता. फिर टेन्यूअर कितना होना चाहिए. लोकसभा के मेंबर्स का जो टेन्यूअर है वो 5 ईयर्स का होता है. इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर हमें यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि क्वालिफिकेशन क्या है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ इलेक्शंस किस आधार पर किया जाता है. तो द लोकसभा कैन बी डिसमिस्ड बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ इट्स टर्म बाय द प्रेसिडेंट. लोकसभा को 5 साल से पहले भी खत्म किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा. एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऐसा रिकमेंडेशन करता है कि अगर वो चाहता है तो उससे पहले भी रद्द की जा सकती है. दिस हैज बीन डन 9 टाइम्स टिल डेट. अब तक 9 बार ऐसा हो चुका है. सेशन जो है, द प्रेसिडेंट कॉल द सेशन ऑफ लोकसभा. प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा का जो सेशन है वो बुलाते हैं, और राज्यसभा दोनों का ही सेशन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा स्टार्ट किया जाता है. He also has the right to end a session of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Rajya Sabha aur Lok Sabha ka jo session chalta hai use khatam kiya ja sakta hai president ke dwara. There should not be a gap of more than 6 months between 2 consecutive session of Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha aur Rajya Sabha ke jitne bhi sessions hote hain, yani ki first ho gaya to next jo session hoga wo 6 mahine baad hoga. ठीक है, उसके बाद में फिर 6 महीने का गैप, यानी कि 6 मंथ्स का गैप उनको हर सेशन में रखना होता है. फिर ऑफिशियल ऑफ द लोकसभा, क्या क्या ऑफिशियल्स होते हैं, कौन कौन मेंबर्स इसमें होते हैं. तो सबसे पहला स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इसमें होते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट इज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. 93 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग लोकसभा के अंदर एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा. स्पीकर जो बोलने वाला, जो आप देखते होंगे ना कि एक बैठा होता है कि जो सारी चीज़ें माइक वगैरह लगी होती है वो बोलेगा खाली उनकी तरफ से. ठीक है, कॉमेंट्री नहीं. स्पीकर from the sitting members, speaker is the chairman and deputy speaker is the deputy chairman. यानी कि दो एक के absence में दूसरा उसका काम संभालेगा, इस तरीके की उनकी
ड्यूटी होती है. द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट इफ ए प्रपोजल फॉर दिस इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स. कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है, वो अपनी इच्छा अनुसार उस स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को कभी भी हटा सकते हैं. सच ए प्रपोजल कैन बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा व्हेन एन एडवांस नोटिस इज गिवन टू दिस इफेक्ट एटलीस्ट 14 डेज अहेड ऑफ द प्रपोजल. यानी कि उसने हटाने से पहले 14 दिन का उन्हें पहले ही नोटिस दिया जाता है, ठीक है, कि 14 दिन के अंदर अंदर उसे हटा दिया जाएगा. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर गेट स्पेसिफाइड सैलरी एंड अलाउंस. उसके बाद में और फिर उनको स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी और अलाउंस जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है. अब इसके बाद में आता है, हाँ मैम, अलाउंस किस चीज को बोल रहा है? कि एक्स्ट्रा जो है, मान लो कि कोई घर का खर्चा है, किराया वगैरह है, आने जाने का जो चीज है वो एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड होगी, ठीक है. फिर है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ स्पीकर. कि ड्यूटीज और पावर क्या है स्पीकर के? तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज मोर और लेस सेम पावर विच आर इंजॉयड एज द चेयरमैन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इन ब्रिटेन. यानी कि स्पीकर जो है लोकसभा का, उसके जो पावर एंड फंक्शंस है वो ब्रिटेन के जो चेयरमैन है, हाउस चेयरमैन होते हैं, उनकी फंक्शंस से मिलता जुलता है. जैसे कि द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर ऑल मीटिंग ऑफ लोकसभा. लोकसभा की सारी मीटिंग्स जो है वो स्पीकर से ही शुरू की जाती है. एंड ही हैज टू एंश्योर पीस एंड डिसिप्लिन इनसाइड द हाउस. यानी कि लोकसभा के अंदर जो शांति और डिसिप्लिन बनाए रखने का काम भी स्पीकर का ही होगा. वही बोलेगा, जो ज्यादा बोल रहा होगा उसको चुप करने का काम है ना, इस तरीके का काम स्पीकर का होता है. द स्पीकर डिसाइड ऑल द प्रोग्राम्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा. कि लोकसभा के जितने भी प्रोग्राम्स है कि आज किस टॉपिक पर हमें मीटिंग करनी है, आगे क्या प्रोसीजर इसमें यूज करना है, वो सारी डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर. बेस्ड ऑन सजेशन फ्रॉम द लीडर ऑफ द हाउस. और ये किसके सजेशन पर होता है? जो हाउस का जो लीडर होता है उसी से सजेस्ट करके ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है. ही डिसाइड्स द टाइमिंग फॉर डिबेट्स ऑन डिफरेंट इशू. हर अलग अलग इश्यूज के ऊपर. इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा जब बैठते हैं साथ में जो सेशन होता है उसमें बहस ही तो होती है हर टॉपिक के ऊपर, तो उसका टाइमिंग भी सेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा कि आपको इतना टाइम ही इस टॉपिक के ऊपर बोलना है. ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज. ही अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ सेलेक्ट कमिटीज एंड सच कमिटीज वर्क अंडर हिज इंस्ट्रक्शन. यानी कि स्पीकर एक अपना अलग कमिटी फॉर्म करता है जिसके अंदर अलग अलग चेयरपर्सन नॉमिनेट होते हैं सब्जेक्ट वाइज. यानी कि जो टॉपिक में जो एक्सपर्ट होता है वो टॉपिक को अच्छे से जान सकता है, अच्छे से बता सकता है, तो इस तरीके के कमिटी वो फॉर्म करता है कौन? स्पीकर. ऑल स्पीकर डिसाइड इफ ए पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट. यानी कि स्पीकर ही बताएगा कि जो भी बिल पास करने वाले हैं लोकसभा में या राज्यसभा में तो वो बिल मनी बिल है या नहीं है, यानी कि रिलेटेड है मनी से या नहीं है, पैसे से रिलेटेड है या नहीं है, इसके बारे में स्पीकर ही डिसाइड करेगा. ऑल करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट आर डन इन हिज नेम. जितने भी टॉपिक वहाँ डिस्कस किए जाएंगे वो स्पीकर जो है वो ही वहाँ लेकर जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के फेवर में, यानी कि उनकी तरफ से स्पीकर ही बात करेगा, ठीक है. तो ये तो हो गए पावर एंड फंक्शंस. तो इसको स्टार्टिंग से आप देख लो पहले कि लोकसभा के अंदर द फर्स्ट और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज लोकसभा, और फिर दिस इज कॉल्ड द पॉपुलर हाउस. ये दोनों लाइन आ जाएगी इसमें. फिर फर्स्ट आ जाएगा नंबर ऑफ मेंबर्स. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा वॉज फिक्स्ड एट 500, बट इट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. फिर थर्ड लाइन द, हाँ मैडम, इसके अंदर ये तो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन है, पावर्स और राइट्स अलग से भी दे रखे हैं इसके लोकसभा के. हाँ 109 फंक्शंस दे रखे हैं ना, तो फॉर्मेशन तो पढ़ना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन जो है. अच्छा ठीक है. हाँ तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कैन बी 545.
530 members shall be elected from the constituencies and 2 members of Anglo-Indian community shall be nominated by the president. ठीक है, फिर इलेक्शन. द मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ए पर्सन हु इज 18 ईयर्स और मोर इन एज इज कंसिडर्ड एन एडल्ट इन इंडिया. फिर एलिजिबिलिटी जो है वो पूरी आ जाएगी, चारों पॉइंट इसके. फिर टेन्योर जो है, द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर. द लोकसभा कैन बी डिसमिस्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट तक कर लो सेशन. द प्रेसिडेंट कॉल द सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. ही ऑल्सो हैज द राइट to end a session of the Lok Sabha and Rajya Sabha. There should not be a gap of more than 6 months between 2 consecutive. ये पूरा ही आ जाएगा paragraph. फिर है speaker and deputy speaker. According to Article 93 of the Constitution, the member of Lok Sabha elects Speaker and Deputy Speaker from the sitting members. Speaker can be removed from their post if a proposal for this is passed by majority of the members. हाँ, खाली Speaker and Deputy Speaker में. मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स तक. फिर पावर एंड ड्यूटीज ऑफ स्पीकर. इसमें द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर ऑल मीटिंग ऑफ लोकसभा. द स्पीकर डिसाइड ऑल द प्रोग्राम्स and proceeding of Lok Sabha. He is the ex officio chairman if some of the parliament committee. और ये last के 2 points. ठीक है, यहां तक टिक कर लिया आप लोगों ने? टिक कर लिया क्या? आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, यस मैम. हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राज्यसभा. तो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स एंड इलेक्शन पावर्स की. राज्यसभा जो है इसे सबसे पहले तो सेकंड हाउस है ये, और इसे अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है. And it has less power compared to Lok Sabha. Lok Sabha से कम power होती है किसके पास? राज्यसभा के पास. But has its own importance and utility. लेकिन फिर भी राज्यसभा की अपनी एक importance है और इसकी जरूरत भी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि लोकसभा अकेले ही सारे काम complete कर लेगा. फिर है number of members and election process कि कितने members इसमें होने चाहिए. तो the number of member of राज्यसभा can be up to 250. बट एट प्रेजेंट इट इज ओनली 245. कि प्रेजेंटली इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 245. आउट ऑफ देम 12 मेंबर्स, जिसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में फॉर नॉमिनेशन. और ये जो 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वो किस फील्ड से होते हैं? इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स. इन फील्ड में, यानी कि वो इस सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं.
Rest of the members represent the unit of the union and they are indirectly elected by people. कि बाकी जो members nominate होते हैं राज्यसभा में ये indirectly elect होते हैं लोगों के द्वारा. And these members are elected by the member of legislative assembly of different state. अलग अलग स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं. एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड अलग अलग मेंबर्स अलग अलग स्टेट से नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर. इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि राज्यसभा का जो मेंबर होगा उसकी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा आर ऑलमोस्ट सेम एज द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा. जो लोकसभा के अंदर रिक्वायरमेंट है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए और उसके साथ साथ कोई गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए या फिर उसे पागल नहीं हो या फिर कोई किसी तरह का कोई उसके ऊपर केस नहीं चल रहा हो, इस तरह के मेंबर्स राज्यसभा के लिए होंगे. लेकिन यहाँ पर एज है इनकी 30 ईयर्स, लोकसभा में 25 है, इसमें 30 ईयर्स होना जरूरी है. टेन्योर जो है इनका एक साल ज़्यादा है, लोकसभा में 5 ईयर्स है, राज्यसभा के अंदर 6 ईयर्स है. 1/3 मेंबर राज्यसभा के हर साल यानी कि एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ तक आप टिक कर लो. बात एक और है, ऑफिशियल ऑफ राज्यसभा, 2 ऑफिशियल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नॉमिनेट होता है जिसका टाइम 5 ईयर्स का होगा. एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड एज डिप्टी चेयरमैन बाय मेंबर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा में से ही किसी एक मेंबर को डिप्टी चेयरमैन नॉमिनेट किया जाता है और जिसका टेन्योर होता है 6 ईयर्स का. तो राज्यसभा में आप टिक कर लो, फर्स्ट पूरी लाइन है ये इसके अंदर. और नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो है, द नंबर ऑफ मेंबर्स से लेकर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट सेकंड लाइन में यहां तक, फिर फॉर नॉमिनेशन से लेकर एक्सेट्रा तक. एलिजिबिलिटी लोकसभा की जो है वही सेम है, बाकी सिर्फ एज में चेंज करना है. द मिनिमम एज ऑफ द राज्यसभा इज 30, बाकी सेम उसमें जो दी गई है वैसी की वैसी लिखनी है. टेन्योर, द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ मेंबर इज 6 ईयर. 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर. ठीक है, फिर उसके बाद में ऑफिशियल में सेकेंड लाइन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. एनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाई डिप्टी चेयरमैन बाई मेंबर ऑफ द राज्यसभा. द टेन्योर ऑफ डिप्टी चेयरमैन इज 6 ईयर. ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के जो पावर एंड फंक्शंस हैं वो कल करेंगे.